जय एस्ट्रो पाठशाला में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं रोग प्रश्न कुंडली के बारे में कि रोग प्रश्न कुंडली से हम रोग को कैसे देखते हैं। पिछले वीडियो में हमने बात की थी भावों के कारकत्व के बारे में। हमने भावों के कारकत्व लिए थे पहले भाव से छठे भाव तक। श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम भावों के कारकत्व के बारे में बात करेंगे सातवें भाव से लेकर बारहवें भाव तक। सातवें भाव से बारहवें भाव तक जैसा कि आपको मालूम है बाएं हिस्से के रोग देखे जाते हैं। यदि किसी जातक का रोग प्रश्न कुंडली में प्रश्न आता है कि उसे बड़ी आंत की समस्या है या मलाशय में कोई समस्या है, मलाशय ठीक से नहीं आता, मूत्र प्रणाली में कोई समस्या है, गर्भाशय की प्रॉब्लम है, अंडाशय की प्रॉब्लम है या वीर्य थैली की प्रॉब्लम है या प्राइवेट पार्ट्स की जो गुप्तांग होते हैं उनकी कोई समस्या है, ऐसा रोग प्रश्न जातक करता है या हमारा रोग प्रश्न कुंडली में ऐसा हमें लगता है कि इस हिस्से में रोग हो सकता है, ये भाव पीड़ित है तो इस हिस्से में रोग हो सकता है, तो हम इससे ये रोग देखेंगे, बड़ी आंत का रोग देखेंगे, मलाशय का रोग देखेंगे, मूत्र प्रणाली का रोग देखेंगे, गर्भाशय का देखेंगे, अंडाशय का देखेंगे, वीर्य थैली के बारे में देखेंगे या गुप्तांग के बारे में, प्राइवेट पार्ट्स जो हमारे हैं उसका कोई रोग हमें है दिखाई दे रहा है तो उसके बारे में उसे बताएंगे कि किस हिस्से में और क्या रोग हो सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं आठवें भाव की। आठवें भाव से यदि किसी का प्रश्न आता है गुदा रोग का, अंग भंग का, असाध्य रोग या लंबे रोग का या मूलाधार का प्रश्न आता है या मानसिक वेदना है जातक को, ऐसी स्थिति बनती है या कोई संधि का रोग है। संधि का रोग मेरा यहाँ पर कहने का मतलब है कमर और घुटने, कमर और कूल्हे के बीच का जो हिस्सा होता है ये एक संधि क्षेत्र है। संधि क्षेत्र जब भी होगा वहां रोग ज्यादा परेशान करता है, मानसिक वेदना देता है। यदि रोग प्रश्न कुंडली में रोगी का ऐसा प्रश्न है कि उसे ये प्रॉब्लम है, मूलाधार में प्रॉब्लम है, गुदा द्वार में प्रॉब्लम है, गुदा रोग है, अंग भंग है, असाध्य रोग का शक है, उसको वहम है, सताया जा रहा है दुख उसको कि लंबा रोग तो नहीं है, मानसिक वेदना में है, तो हमें अष्टम भाव को देखना चाहिए कि वह कितना पीड़ित है या कितना शुभ है हमारे लिए उस कुंडली में, रोग प्रश्न कुंडली में उसकी क्या स्थिति है। यदि वह पीड़ित है तो हमें लंबे रोग भी दे सकता है, मानसिक वेदना भी देगा और संधि के रोग अगर हो गए तो वो रोग जल्दी से ठीक नहीं होते, ये हम समझ सकते हैं रोग अष्टम भाव के कारकत्वों को देखकर कि उससे रोग कितना लंबा चलेगा, कैसा रोग है। अब हम नौवें भाव की बात कर लेते हैं। नौवें भाव से कुल्ले देखे जाते हैं, जांघों की रक्तवाहिनियां देखी जाती हैं। यदि ऐसा कोई रोग है या जातक का प्रश्न है कि उसे कुल्हे में प्रॉब्लम है, जांघों की रक्तवाहिनियों में प्रॉब्लम है, कमजोरी है, वीकनेस है, तो हम नौवें भाव को देखेंगे, उससे हम उसके प्रश्न का उत्तर ढूंढेंगे रोग प्रश्न कुंडली में। यदि कोई जातक हमें बताता है कि घुटने में प्रॉब्लम है, घुटने की चक्की में प्रॉब्लम है या घुटने का पिछला जो खाली हिस्सा होता है उसमें प्रॉब्लम है, या हम रोग प्रश्न कुंडली में ऐसा देखते हैं जो प्रश्न करता है या तो वो स्वयं बताता है या हम देखते हैं कि उसका दशम भाव पीड़ित है, तब हम उसको बता सकते हैं कि घुटने में प्रॉब्लम है या घुटने की चक्की में प्रॉब्लम है, घुटने के पिछले हिस्से का जो खाली भाग होता है वहां प्रॉब्लम है, उसका इलाज हम देखेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं ग्यारहवें भाव की। ग्यारहवें भाव से क्या क्या देखेंगे। ग्यारहवें भाव से टांगे देखी जाती हैं, बाया कान देखा जाता है यदि जातक का ऐसा प्रश्न है, या ये ग्यारहवां भाव छठे से छठा भाव भी है, छोटे रोग इसमें होते हैं जो कि ठीक हो जाते हैं, छठे से छठा रोग का भाव भी है ये। और ग्यारहवें भाव से हम आरोग्य प्राप्ति के लिए भी देखते हैं कि जो हमारा रोग है, जातक का रोग है, प्रश्नकर्ता का रोग है, उसको आरोग्य प्राप्ति कब होगी। ग्यारहवें भाव से उसकी इच्छा पूर्ति भी देखी जाती है कि उसका रोग कब तक ठीक हो जाएगा, ऐसी स्थिति में हम ग्यारहवें भाव को प्रयोग में लेते हैं। अब हम अगले भाव की बात करते हैं, बारहवें भाव की। बारहवें भाव से हम क्या क्या रोग देख सकते हैं और अगर जातक का प्रश्न है इन के बारे में, तब हम उसका विवरण देखकर उसका इलाज भी बता सकते हैं उसको, और उसकी ये दुविधा भी बता सकते हैं कि रोग कितना लंबा होगा, छोटा होगा, कैसा होगा, ये सब बातें हम इससे बारहवें भाव से देखते हैं। बारहवें भाव से हम क्या क्या देखते हैं, पैर देखते हैं, लेफ्ट आई देखते हैं, निद्रा में यदि बाधा हो जातक को तब भी हम इसी भाव से देखेंगे, या तो जातक बताएगा या रोग प्रश्न कुंडली को देखकर हम स्वयं बताएंगे कि उसको ये प्रॉब्लम है। जातक का मानसिक असंतुलन खराब हो सकता है, जातक मानसिक असंतुलित होगा जिससे कि वह ना तो सो पाएगा ना वो ठीक से सोच पाएगा,
उसको शारीरिक पीड़ा भी हो सकती है 12वें भाव से, अगर 12वां भाव पीड़ित है। कई बार रोग इतना बड़ा होता है, गहरा होता है कि उसे हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है, उसका कोई इलाज नहीं है बिना हॉस्पिटल के, तो 12वां भाव हॉस्पिटल के बारे में भी बताता है, उसका भी कारकत्व है। या कोई दोषपूर्ण अंग है उसके बारे में भी हम 12वें भाव से देखेंगे, और मृत्यु को भी 12वें भाव से देखा जाता है। रोग प्रश्न में कई बार हमें पता लगता है कि जातक अब ज्यादा समय नहीं जिएगा, मृत्यु अगर हमें देखनी है वह भी हम 12वें भाव से देखेंगे। तो इस प्रकार हम 12वें भाव से या तो रोग प्रश्न कुंडली में उसका प्रश्न होगा, या रोगी खुद बताएगा कि मेरे को पैर में प्रॉब्लम है, मेरे को बाईं आंख में प्रॉब्लम है, निद्रा में प्रॉब्लम है, तब हम देख सकते हैं कि उसका 12वां भाव पाप प्रभाव में है, पाप पीड़ित है। तो इस प्रकार रोग प्रश्न कुंडली में हमें एक नजर में देखकर यह समझ लेना चाहिए कि उसका कौन सा भाव पीड़ित है और कौन उस भाव को कौन कौन ग्रह पीड़ित कर रहे हैं, उसकी वजह से रोग हो सकता है, और उसके बारे में जातक को बताना चाहिए। तो आज हमने बात की भावों के कारकत्व के बारे में, 7वें भाव से लेकर 12वें भाव तक। अगले वीडियो में हम बात करेंगे नक्षत्र से रोग कैसे देखे जाते हैं, कि नक्षत्रों से भी हम रोग की पहचान कर सकते हैं। अभी जो ये हम बात रोगों की कर रहे हैं कि हमें कम से कम ये पता होना चाहिए कि रोग कहाँ पर है और कैसा है। पहले हमने भाव से देखा, फिर पहले हमने राशि से देखा, फिर भाव से देखा, अब अगले वीडियो में नक्षत्र से रोग देखेंगे। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे आप शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरा आने वाला वीडियो सीधा आपको मिलता रहे।